देश में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल दर्ज किया गया है। रोजाना पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और आम इंसानों की जेब खाली होती जा रही है। आलम यह है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ महंगाई भी बढ़ती जा रही है, जिसका सीधा बोझ आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। आज यानी 5 जुलाई को एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज पेट्रोल की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है, जिसके बाद दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल का दाम 99.86 रुपए प्रति लीटर हो गया है। हालांकि डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसी के साथ दिल्ली में डीजल 89.36 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। तो आइए आपको बताते हैं देश के प्रमुख शहरों में क्या हो गई है प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत। दिल्ली में प्रति लीटर डीजल की कीमत 89.36 रुपए, तो वहीं पेट्रोल 99.86 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। मुंबई में 96.91 रुपए डीजल, तो पेट्रोल 105.92 रुपए पहुंच गया है। कोलकाता में डीजल की कीमत 92.27 रुपए, तो वहीं पेट्रोल की कीमत 99.84 रुपए हो गई है। चेन्नई में 93.91 रुपए डीजल की कीमत, तो वहीं पेट्रोल की प्रति लीटर कीमत 100.75 रुपए पहुंच गई है। बता दें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल का भाव 100 रुपए पार हो चुका है। इसके अलावा महानगरों में मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु में पेट्रोल पहले से ही 100 रुपए प्रति लीटर के आंकड़े को पार कर चुका है। अंदेशा ये भी लगाया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में दिल्ली में भी पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार निकल जाएगी। बता दें, जनवरी 2021 से अब तक पेट्रोल की कीमतें 15% तक बढ़ी हैं। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर की रिपोर्ट, दिल्ली।